हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा रेगुलर लेक्चर सीरीज का 7th लेक्चर है, जिसके अंदर मैं कुछ नया चीज सिखाने जा रहा हूं, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आप बोलेंगे सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपने कल भी सिखाया था, लेकिन कल के लेक्चर में आज के लेक्चर में डिफरेंस क्या है कि कल मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को सॉल्व किया था ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। पहले हमने जर्नल एंट्रीज पूरा प्रिपेयर किया था, उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हमने प्रिपेयर किया। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम पहला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट एनी जर्नल एंट्रीज। कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, तो वैसे टाइम पे बच्चा पहले जर्नल एंट्री पास करता है, उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सॉल्व करता है। लेकिन आज का प्रॉब्लम देखने के बाद आप डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सॉल्व करना सीख जाओगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। आज के प्रॉब्लम में और मेरे पिछले लेक्चर्स के प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है कि मैंने सब प्रॉब्लम्स के अंदर जर्नल एंट्री सॉल्व किया था और लास्ट लेक्चर के अंदर एक नया अकाउंट दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया था। बट आज के प्रॉब्लम के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने भी पूछता है। हमने कल के लेक्चर में क्या सीखा कि जर्नल एंट्री बनाया, उसके बाद हमने सीखा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसा बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री के बेसिस पे हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया। लेकिन अगर जनरल एंट्री एग्जाम में नहीं पूछे तो उसके अलावा उसके बिना भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम आज के वीडियो में देखते हैं। ओके, ये हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है, विराट लिमिटेड है। ये क्वेश्चन जो है मार्च 2012 में आया था। ये क्वेश्चन मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि मार्च 2012 के अंदर ही मैंने मेरा ग्रेजुएशन अटेंड किया था। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि इनटैंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर रिटर्न ऑफ। क्यों रिटर्न ऑफ, सॉरी, जब भी इंटैंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स की एंट्री के बारे में पूछे या नहीं पूछे एग्जाम में, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला एंट्री यही पास होगा कि इंटैंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर रिटर्न ऑफ। ओके, क्या क्या रिटर्न ऑफ कर रहे हैं अपन, इंटैंजिबल असेट्स गुडविल एंड फिक्टिशियस असेट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। असेट का वैल्यू राइट ऑफ कर रहे, असेट को राइट ऑफ कर रहे, मतलब असेट का वैल्यू हम क्या कर रहे, कम कर दे रहे। असेट का वैल्यू कम कर रहे मतलब लॉस हो रहा है। जब भी हम जनरल एंट्री पास करते तो हम क्या कर रहे थे, सीआर अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट। सेम यहाँ पे भी ये करेंगे कि लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, यहाँ लॉस की एंट्री पास करेंगे हम और यहाँ पे हम प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। ओके, अभी लॉस किस पे हो रहा है, हमको गुडविल पे हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस पे हो रहा है। तो यहाँ सिंपली लिख देंगे यहाँ पे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना गुडविल है, 4 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 9,77,000। इज इट क्लियर। जब भी हमको लॉस होगा हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देंगे और जब भी हमको प्रॉफिट होगा हम कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे। ओके, ये पहला एंट्री हमने पास कर लिया। दूसरा, लैंड इज रीवैल्यूड एट 500% मोर देन द बुक वैल्यू। लैंड जितना भी है उसका 500% मोर हो गया, ज्यादा हो गया। अब लैंड का वैल्यू कितना है, 3 लाख है, 3 लाख से 500% ज्यादा हो गया। तो जितना भी ज्यादा हो गया उतना फर्म को प्रॉफिट हो गया। तो 3 लाख का 500% फाइन करेंगे हम, दैट इज 15 लाख। तो फर्म को 15 लाख का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो हम कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे और यहां लिख देंगे बाय लैंड अकाउंट 15 लाख। आप चाहे तो यहाँ पर समझ लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 लाख इंटू 500% नहीं लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, दैट इज देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, असेट ऑफ ₹10,000 व्हिच वाज सोल्ड फॉर ₹60,000। कल के प्रॉब्लम में भी ये एंट्री था, ये एडजस्टमेंट था कि अनरिकॉर्डेड असेट था 20,000 का कल के प्रॉब्लम में। ओके, वहां पे मैंने क्लियर कर दिया था कि अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब ये असेट हमारा नहीं है। वंस अगेन आई विल रिपीट कि अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब है ये असेट जो है वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। तो उसका अमाउंट, उसका कॉस्ट कितना है उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां लिख रहा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ ₹10,000, कोई असेट था जिसका वैल्यू था ₹10,000, वो असेट हमारा नहीं था लेकिन इसका वैल्यू कितना था, ₹10,000, विच वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000, जिसको हमने 60,000 में बेच दिया। जब 10,000 की चीज 60,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 बराबर। लेकिन वो असेट हमारा था ही नहीं, वो असेट हमारा था ही नहीं, तो उसके कॉस्ट से फर्क ही नहीं पड़ता हमको। हमने जितने में बेचा है उसका अमाउंट जो 60,000 रुपए, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है हमारा। वंस अगेन आई विल रिपीट, फॉर एग्जांपल एक वॉच मिल गई मेरे को रस्ते में गिरी हुई, 10,000 रुपीज की वॉच, उसका वैल्यू मुझे पता है 10,000 रुपीज, लेकिन मैं जिसको बेच रहा हूं उसने मेरे को 60,000 रुपए दिया उसके,
10,000 की चीज मैंने 60,000 में बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना, क्या 50,000? नहीं, मेरा प्रॉफिट पूरा 60,000 है, क्योंकि वो 10,000 की जो चीज थी वो मेरी नहीं थी। जो चीज मेरी नहीं है वो 10,000 की होगी कि 5,000 की होगी, लाख रुपए की होगी, मैं जितने में बेचूंगा, जितने में सेल करूंगा, उतना पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो याद रखना, जब भी अन्य कोई असेट के बारे में आएगा तो उसका कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे, खाली जितने में बेच रहे वो देखेंगे। 60,000 पूरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ तो हम याद लिखेंगे, ओके। प्रॉफिट क्यों हुआ? बाय अन्य कोई असेट की वजह से नहीं। याद रखना, जो भी असेट का नाम असेट के कॉलम में नहीं है तो वो इधर नहीं आता। तो हमको क्या आया? पैसा आया। तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना आया? 60,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 4 per share। देखो बाय बोला है, बाय बोला है, तो जितना भी वैल्यू यहाँ लिखा है वही हम कंसिडर करेंगे। अगेन इक्विटी शेयर रिड्यूस हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्या करेंगे हम? प्रॉफिट हो जाएगा। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई करेंगे हम इनटू 4 से करेंगे। मैंने बोला वापस से कि जब भी बाय रहेगा तो जो अमाउंट यहाँ लिखा रहेगा वही लिख देंगे। नंबर ऑफ शेयर यहाँ से देख लेंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने? इक्विटी शेयर के 10 lakh rupees है, 10 ईच है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना लेंगे? 10 lakh divided by 10 is 1 lakh। तो यहाँ लिखते हैं 1 lakh, 1 lakh into 4 is 4 lakh, तो 4 lakh का हमको प्रॉफिट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, 15% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 4 per share। 15% इज नथिंग बट द नेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, 15% कुछ काम नहीं है यहाँ पे, खाली हमको देखना है रिड्यूस टू कितना बोला है? 4। देखो अभी रिड्यूस 2 बोला है, 2 बोला था, हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस लेंगे। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे 10 रुपए का है, यहाँ 4 बोला है तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 रुपीज। तो यहाँ पे अगेन प्रॉफिट हो गया बाय 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना? 6 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। कितने शेयर्स पे प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 5,10,000 रुपए के, मतलब 50,000 शेयर्स है, तो 50,000 into 6 दैट इज 3 lakh rupees। इज इट क्लियर? इसको मैं जल्दी जल्दी क्यों किया, इससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम थे, हमने ये सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट वन, डिबेंचर होल्डर्स वेव। अगेन डिबेंचर होल्डर इज आर क्रेडिटर, इज आर लाइबिलिटी, ओके। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या करे? 50% माफ करे, वेव करे। क्या माफ करे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 रुपया, उसका 50% जो है वो माफ हो रहा है, माफ हो रहा है, लाइबिलिटी माफ हो रही है। वंस अगेन इट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना लिखेंगे? 30,000। वाई 30,000? क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो 60,000 रुपया, उसका 50%, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, 30% ऑफ द सन्ड्री पेबल आर रिड्यूस टू 30% ऑफ बुक वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड टाइम ऐसा ले रहा हूं मैं कि 30% ऑफ सन्ड्री पेबल, सन्ड्री पेबल कितना है? 75,000 का 30% निकालना है हमको, दैट इज 22,500। अब उसने क्या बोला कि 30% ऑफ द सन्ड्री पेबल आर रिड्यूस टू 30% ऑफ बुक वैल्यू। देखो 30% हमने निकाल दिया पहले, ये फिर वापस कितना बोला परसेंटेज, 30% पहले वो भी फाइंड कर लेंगे। 22,500 में 30% कितना आ जाएगा? 5,750, ओके। 30% ऑफ सन्ड्री पेबल जो ये अमाउंट है आर रिड्यूस टू 30%, वो ये अमाउंट है। अब रिड्यूस टू बोला है, देखो रिड्यूस टू बोला है, और वंस अगेन टू बोला है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। देखो वापस बोलता हूं, अगर रिड्यूस बाय बोलता तो हम यही अमाउंट ले लेते, लेकिन रिड्यूस टू बोला है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर देंगे। 0 10 में बाकी 5 7 5 तो 15,750, ये 6,750 है, ये 1,750, ओके, कितना आ गया? 15,750। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आया है उसको हम यहाँ लिख देंगे बाय, क्या था वो? सन्ड्री पेबल, बाय सन्ड्री पेबल, सन्ड्री पेबल कितना आ गया? 15,750। देखो वंस अगेन आई विल रिपीट कि अगर इधर रिड्यूस बाय बोलता तो हम ये 6,750 का अमाउंट लेते, ना कि ये लेते, ओके। आगे बढ़ते, डायरेक्टर्स वेव 90% ऑफ द अमाउंट पेबल टू देम। अब पेबल टू डायरेक्टर्स दिया हुआ, अगेन दिस इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी पेबल थी जो क्या करते डायरेक्टर्स ने माफ कर दिया। कितना परसेंट माफ किया? 90% माफ कर दिया। लायबिलिटी माफ कर दी मतलब लायबिलिटी कम हो गई, कम हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होगा तो यहां लिखते हैं हम बाय पेबल टू डायरेक्टर्स, कितना है? 25,000 है, 25,000 का 90% इज 22,500, ओके।
नेक्स्ट वन, स्टॉक एंड सन्ड्री रिसीवेबल्स आर रिड्यूस्ड बाय 20% एंड 10%। अभी स्टॉक और सन्ड्री रिसीवेबल क्या है, हमारे असेट है। असेट क्या हो गया, बोला रिड्यूस हो गए, असेट का वैल्यू कम हो गया। असेट का वैल्यू कम हो गया तो मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कहां लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे टू स्टॉक एंड टू सन्ड्री रिसीवेबल। कितना बोला स्टॉक को उसने, बोला है स्टॉक 20% एंड सन्ड्री रिसीवेबल 10%। तो 90,000 का 20% इज 18,000 एंड 53,000 का 10% इज 5,300। ओके, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी। अगेन प्लांट एंड मशीनरी असेट इज रिड्यूस टू 70%। प्लांट एंड मशीनरी जो है 180,000 रुपया है, उसका वैल्यू भी रिड्यूस हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हम यहां लिखते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना उसने बोला रिड्यूस टू 70%, तो हम क्या कर देंगे 1,80,000 का 70% फाइंड करेंगे, दैट इज 1,26,000। अब 1,26,000 और 180 का डिफरेंस निकालेंगे। व्हाई डिफरेंस, क्योंकि रिड्यूस टू बोला है। देखो पहले हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का 70% फाइंड करेंगे। 1,80,000 का 70% इज 1,26,000 और 1,26,000 और 180 का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 54,000। तो ये हमारा लॉस है। हम डायरेक्टली 30% भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस टू 70% बोला है, रिड्यूस टू 70 बोला है, 70 तो डिफरेंस कितना हो गया, 30 हो गया। डायरेक्टली हम 30 भी फाइंड कर सकते हैं, या तो 70% फाइंड कर लो, बाद में माइनस कर दोनों को। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फर्नीचर। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 70%। अगेन दिस इज लायबिलिटी, सॉरी एसेट है, एसेट का वैल्यू कम हो गया, लॉस हो गया टू फर्नीचर। इधर क्या बोला है, रिड्यूस बाय 70%। अब फर्नीचर है कितना रुपीज का, 2,00,000 का। 2,00,000 का 70% इज 1,40,000। तो 1,40,000 पूरा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रिड्यूस बाय बोला है, रिड्यूस टू नहीं बोला है, बाय बोला है, तो जितना परसेंट बोलेगा उतना पूरा लिख लेंगे हम। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट एडजस्टमेंट। 40% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 60%। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सेम 40% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कितना है हमारा, 1,00,000। 1,00,000 का 40% निकालेंगे, दैट इज 40,000। क्या बोला, अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 60%। अब 40,000 का 60% इज 24,000। देखो यहाँ पे रिड्यूस बाय बोला है, ये एडजस्टमेंट में रिड्यूस टू बोला था तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला था। ये एडजस्टमेंट में रिड्यूस बाय बोला तो हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, बल्कि जो आया वो लिख देंगे बाय अनसिक्योर्ड लोन। क्यों प्रॉफिट में लिख रहे हैं हम, क्यों क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है 24,000। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग करेंगे और हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट फाइंड करेंगे। जो भी यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर आएगा उसको क्या लिख देंगे हम, कैपिटल रिजर्व। पहले इस साइड का टोटल कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे सेम, यहाँ लिख देंगे जो बैलेंस आएगा उसको क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।